मिनट रुकते, बाकी लोग ज्वाइन होने के बाद चल पड़े। ठीक है, चलो तो देखो क्या है। तो गैल्वेनोमीटर इज ऑफ 60 ओम, इट कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर, ऐसा नहीं बोला, लेकिन उत्तर क्या बोला है, फॉर 1 एम्पियर करंट इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्या बोला है, फॉर 1 एम्पियर करंट इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल डिफ्लेक्शन मतलब नीडल पूरा का पूरा इधर जाता है, फुल डिफ्लेक्ट होता है, मतलब ही वो रेंज है, रेंज है, इसका मतलब क्या है, उतना ही मेजर कर सकता है वो, उसके नीचे वो मेजर कर सकता है लेकिन उसके ऊपर मेजर नहीं कर सकता। 0.5 एम्पीयर मेजर कर सकता है लेकिन 2 एम्पीयर मेजर कर सकता है क्या, नहीं। 1 एम्पीयर को फुल काटा जाता है, अब फुल काटा गया तो उसके ऊपर क्या मेजर करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो फुल रेंज को फुल डिफ्लेक्शन मिलता है, रेंज को, फॉर रेंज को डिफ्लेक्शन क्या मिलता है, फुल। तो फुल डिफ्लेक्शन मतलब है रेंज, तो इसको हम लोग बोलते हैं आईजी। इनिशियल जो रेंज वाला करंट है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग आईजी बोलते हैं। अब दिस गैल्वेनोमीटर हैज कन्वर्टेड इनटू एमीटर व्हिच कैन मेजर करंट्स अप टू 5 एम्पीयर। तो नया रेंज कितना है, 5 एम्पीयर। दिस गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर व्हिच कैन मेजर करंट अप टू 5 एम्पीयर। तो तो गैल्वेनोमीटर टू एमिटर जो डायग्राम है वो निकालने का, गैल्वेनोमीटर टू एमिटर। तो गैल्वेनोमीटर अपना अपना ड्रॉ करना है, एमिटर भी अपना अपना ड्रॉ करना है। एमिटर होता है तो क्या करना है, एमिटर बनता है फाइनली तो पैरेलल में लगाने का, तो पैरेलल में लगाया शंट, एमिटर बनता है तो पैरेलल में शंट लगाने का, ठीक है। चलो समझा कैसा कैसा, देखो गैल्वेनोमीटर था, एमिटर में कन्वर्ट करना, एमिटर है तो पैरेलल में लगा दिया, पहले इतना करंट गया तो फुल डिफ्लेक्ट मारता था, ये इसका रेंज था, मतलब 1 एम्पीयर तक मेजर करता था। राइट नाउ वी वांट एमिटर व्हिच कैन मेजर अप टू 5 एम्पीयर, तो 5 एम्पीयर डालने के बाद फुल डिफ्लेक्शन मारना चाहिए, ठीक है। तो इधर 5 एम्पीयर डाला, इधर 5 एम्पीयर डाला, ठीक है। तो ये मशीन के अंदर कितना जाना चाहिए, ये जो गैल्वेनोमीटर है इधर 5 एम्पीयर है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना जाना चाहिए, इसके अंदर अगर पूरा का पूरा 5 एम्पीयर इसके अंदर चला गया तो ये जल जाएगा, ये 5 एम्पीयर आ रहा है इधर का लाइन तोड़ दिया, पूरा का पूरा 5 एम्पीयर इधर से डालेंगे तो जल जाएगा, टूट जाएगा अंदर का फॉस्फर ब्रॉन्ज, गैल्वेनोमीटर के अंदर का फॉस्फर ब्रॉन्ज टूट जाएगा। तो करते क्या है, तो करेंगे क्या, इसको 5 एम्पीयर में से 5 एम्पीयर जो आ रहा है उसमें से 1 एम्पीयर ही ऊपर से जाएगा, बाकी का 4 एम्पीयर को नीचे से निकाल देंगे। तो करेंगे क्या, इसका कैपेसिटी कितना है, गैल्वेनोमीटर का औकात कितना है, कितना करंट ले सकता है, वो 1 एम्पीयर करंट ही ले सकता है। तो जितना भी अभी नया रेंज है उसमें से 1 एम्पीयर इधर डालो, बाकी का पूरा नीचे से जाना चाहिए, नहीं तो इधर जाएगा तो लफड़ा करेगा, एमसीजी को खराब करेगा। तो 5 एम्पीयर को क्या मिलना चाहिए, फुल डिफ्लेक्शन। तो 5 एम्पीयर आता है उसमें से इसको कितना झेपता है, इसको कितना मैक्सिमम करंट ये ले सकता है, 1 एम्पीयर, बाकी का नीचे से भेज दिया, ठीक है। अब पूछता क्या है, पूछा क्या है, देखो टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमिटर ऑफ 5 एम्पीयर रेंज, टू कन्वर्ट दिस इनटू एन एमिटर ऑफ 5 एम्पीयर रेंज हाउ मच शंट इज रिक्वायर्ड, ये पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है कितना लगेगा। बोला क्या है, ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है ये कितने का लगेगा, सो दैट दिस न्यू एमिटर कैन मेजर करंट्स अप टू 5 एम्पीयर, ठीक है। 5 एम्पीयर आया
उसमें से एक एम्पियर ऊपर जा सकता है या एक ही ले सकता है, एक से ज्यादा डालो ये खराब हो जाएगा, तो नीचे से 4 एम्पियर को बाईपास किया। तो यहां से यहां ऊपर का डेल्टा भी और नीचे का डेल्टा भी सेम चाहिए पैरेलल में, इतना ही अप्लाई करना है, कुछ फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं। हर एक न्यूमेरिकल के बुक में अलग अलग फॉर्मूला दिया है, इतना बेसिक है, एकदम सिंपल है। तो ऊपर का डेल्टा भी और नीचे का डेल्टा भी सेम, तो ऊपर का डेल्टा भी कितना आर इंटू आर, तो 1 इंटू इसका रेजिस्टेंस 60 है, इसका क्या आर इंटू आर, 1 इंटू इसका रेजिस्टेंस 60 है, नीचे का आर इंटू आर, आई कितना इसका 4 एंड आर इसका रेजिस्टेंस कितना है वही तो निकालना है। तो 4 से इसको डिवाइड किया 15, तो 15 ओम का शंट लगा दिया, ये जो इनिशियल गैल्वेनोमीटर है इसको 15 ओम का शंट लगा दिया, तो वी गेट न्यू एमीटर व्हिच कैन मेजर करंट अप टू 500। ठीक है, चलो एक बार सोचो इसके बारे में और एक बार मैं रिपीट करता हूं, कोई चाहिए तो देखो कुछ इसमें तुम लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए तो देखो, सीबीएसई पीएफटी 2009। पूरा लेक्चर ले लेगा, आज का पूरा लेक्चर इसमें चला जाएगा, मुझे लगता था कि मैग्नेटिज्म चालू करेंगे नहीं होता। ठीक है बोलता हूँ, और एक बार बोलता हूँ डिफिकल्ट है, समझ नहीं रहा तो ज्यादा टेंशन मत लो, समझ रहा है तो अच्छा है, समझना चाहिए ऐसा ही लगता है मुझे, थोड़ा छोटा मोटा ही लॉजिक है। ठीक है, ओके, अंजलि एंड वैष्णवी काले, तुम लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं होगा तो टेंशन मत लो, कल से मैग्नेटिज्म नया चैप्टर चालू हो रहा है वो समझेगा। ठीक है, आज पहला ही लेक्चर है तुम दोनों का, बहुत दिन के बाद अंजलि भी देख रही है, तो नहीं समझ रहा तो टेंशन मत लो। नया चैप्टर समझेगा, बोलो मैं अभी वापस। चलो क्या किया है, एमिटर गैल्वेनोमीटर टू एमिटर, तो गैल्वेनोमीटर जैसा दिया है वैसा ड्रॉ किया, एमिटर कैसा ड्रॉ करना है, एमिटर करना है तो फाइनली पैरेलल में डालो, रेजिस्टेंस नया पैरेलल में डालो, एमिटर फाइनली चाहिए तो एमिटर है तो रेजिस्टेंस पैरेलल में डालो, 1 एम्पीयर को फुल डिफ्लेक्शन मारता है तो पुराना रेंज इतना है, अब 5 एम्पीयर को फुल डिफ्लेक्शन मारना चाहिए। समझो शंट मैंने नहीं लगाया और पूरा 5 एम्पीयर इसमें ही डाल दिया तो ये जल जाएगा, खराब हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर को ज्यादा करंट चलता नहीं, उसका जितना औकात है 1 एम्पीयर उतना ही उसको चलता है, तो 5 एम्पीयर में से 1 इधर डालना है, बाकी का 4 बाईपास करना है, बाकी का 4 एम्पीयर करंट बाईपास करना है, इधर नहीं डालने का, तो बाईपास करने के लिए शंट है, इधर 1 एम्पीयर जाएगा, बाकी का बचा हुआ 4 एम्पीयर नीचे से चुपके से निकल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऊपर का डेल्टा भी और इसमें डिटेल में बताना, अगर बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन पूरा हैंग हो जाएगा तुम लोगों का दिमाग, इसलिए मैं अंदर और जाने रहा, मतलब इसका रेंज, अब ये 5 एम्पीयर क्यों मेजर कर सकता है, पहले 1 एम्पीयर को फुल स्केल जाता है तो अब 5 एम्पीयर क्यों मेजर कर सकता है, तो उसके अंदर में एक्सप्लेनेशन नहीं लेके जा रहा, लेकिन मेजर कर सकता है, इतना मेरे पे विश्वास रखो, मैंने जैसा तुम लोगों पे रखा वैसा तुम लोग अभी मेरे पे विश्वास रखो, क्या ठीक है, रेंज बढ़ गया है, ऊपर का डेल्टा भी एंड नीचे का डेल्टा भी क्या है वो तो सेम है, 5 आएगा उसमें से 1 ऊपर से जाएगा नीचे से 4, तो इसका डेल्टा भी आर इंटू आर, 1 इंटू जी का कितना है रेजिस्टेंस 60 है, पैरेलल है ना, तो इसका भी डेल्टा भी सेम, तो आर इसमें से जा रहा है 4, इसका आर निकालना है तो आ गया 50। ठीक है, चलो अब इसका रेंज 1 था, अब ये 5 एम्पीयर तक मेजर कर सकता है, अब ये करंट 5 एम्पीयर तक मेजर कर सकता है। ओके, अब इसको ही कन्वर्ट करेंगे, नया लेंगे, चलो नया लेंगे,
अब क्या करेंगे, गैलोनोमीटर टू वोल्टमीटर, गैलोनोमीटर टू एमीटर एक कन्वर्जन देखा, अब गैलोनोमीटर टू वोल्टमीटर करते हैं। गैलोनोमीटर है 20 ओम का है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मारता है फॉर 3 एम्पियर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मारता है फॉर 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट, 50 नहीं बढ़ाएंगे 120 वोल्ट, ठीक है। चलो देखो क्या अपने पास गैल्वेनोमीटर है, चलो चलो रे बच्चों देखो इधर, अभी वी हैव गैल्वेनोमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस, वी हैव गैल्वेनोमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस एंड फुल डिफ्लेक्शन मारता है 3 एम्पीयर पे, फुल डिफ्लेक्शन 3 एम्पीयर पे मारता है। गैल्वेनोमीटर इतना करंट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन रियल लाइफ में गैल्वेनोमीटर मिली एम्पीयर्स में एक्सेप्ट करता है, 15 मिली एम्पीयर, 20 मिली एम्पीयर, 5 मिली एम्पीयर, इसको गैल्वेनोमीटर नहीं बोल सकते, एमीटर बोलना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। तो 20 ओम का 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 एम्पीयर करंट डाला तो फुल डिफ्लेक्शन मारता है, 3 एम्पीयर करंट अगर जा रहा है इसमें से तो फुल डिफ्लेक्शन मार रहा है। अब कितना रेजिस्टेंस लगेगा, कितना रेजिस्टेंस लगेगा टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 120। अब वोल्ट मीटर बनाना है और उसका रेंज कितना है 120, वोल्ट मीटर बनाना है एंड उसका रेंज है 120। तो देखो कैसे करना है। तो पहले क्या था गैल्वेनोमीटर, उसका डायग्राम निकालो, गैल्वेनोमीटर है या फिर एमीटर है, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो साइडली हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर है या फिर एमीटर है तो अपना अपना ड्रॉ करो, पैरेलल वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं करना, अपना अपना ड्रॉ करो, अच्छा है ऐसा ड्रॉ करो। तो 20 ओम है, इसका करंट कितना है, फुल स्केल का करंट मतलब आईजी रहता है, फुल स्केल का करंट है वो आईजी रहता है, मतलब 3 एम्पीयर को भी फुल जाएगा, मतलब 3 एम्पीयर तक ये मेजर कर सकता है, 3 एम्पीयर के आगे वाला करंट दिस गैल्वेनोमीटर कैनॉट मेजर, बिलो 3 एम्पीयर हाँ मेजर कर सकता है, 3 एम्पीयर पे कांटा फुल जाता है, अब 4 एम्पीयर डालोगे तो कांटा टूटेगा क्या, 4 एम्पीयर ये मेजर नहीं कर सकता, तो इसका रेंज है 3 एम्पीयर, दिस कैन मेजर अप टू 3। अब फाइनली क्या बन रहा है, वोल्ट मीटर बन रहा है, फाइनली वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस कैसे ऐड करना है, फाइनली वोल्ट मीटर बन रहा है तो वोल्ट मीटर को कन्वर्जन करते वक्त, वोल्ट मीटर में कन्वर्जन करते वक्त रेजिस्टेंस सीरीज में आता है, तो गैल्वेनोमीटर अपना है वैसा और नया रेजिस्टेंस आता है सीरीज में, यस मतलब सीरीज के लिए यस आता है, आर यस, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस सीरीज में डालो, अब वोल्ट मीटर कैसे आप कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल, ये वोल्ट मीटर है, अब सीरीज में रेजिस्टेंस डालने के बाद दिस हैज बिकम वोल्ट मीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी पैरेलल, तो नीचे से एक लाइन ड्रॉ करो, नीचे से एक लाइन ड्रॉ करो उसको ये पैरेलल लगाओ, नीचे से एक सर्किट है कुछ तो इधर इधर रेजिस्टेंस वगैरह रहेगा उसको पैरेलल लगा। अब देखो इसका कैसा है, अब इसका रेंज कितना है, सुनो सुनो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ये एक बार क्लियर हो गया तो बाकी सब न्यूमेरिकल्स पे क्लियर। इसका रेंज कितना बनाना है, 120 वोल्ट बनाना है, ये जो नया वोल्ट मीटर है इसका रेंज कितना है 120, तो इधर 120 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो ये कांटा क्या करेगा, फुल मारेगा, रेंज को फुल जाता है, इतना याद रखने का, ये चार सेंटेंसेस पे सब काम होता है, रेंज पे फुल डिफ्लेक्शन, तो इधर फुल डिफ्लेक्शन का करंट है, इधर का रेंज 3 एम्पीयर तक ही मेजर कर सकता है, इधर का रेंज कितना करना है 120, रेंज मतलब 120 तक मेजर करने वाला अपन को वोल्ट मीटर चाहिए, तो 120 पोटेंशियल डिफरेंस है नीचे का, तो ये फुल डिफ्लेक्शन मारेगा, नीचे का 120
पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये क्या करेगा, फुल डिफ्लेक्शन मारेगा। अब इस लाइन में करंट कितना जा सकता है, इस लाइन में करंट कितना जा सकता है, तो करंट तो जा सकता है 3 एम्पीयर, इधर गैल्वेनोमीटर में 3 एम्पीयर करंट जा सकता है। जो पहले डायग्राम में करंट है वही करंट दूसरी डायग्राम में भी रहता है, जो फर्स्ट डायग्राम में करंट है वही करंट सेकेंड में भी रहता है। क्यों, ये 3 एम्पीयर को सुटेबल है अभी, इसके मशीन के अंदर से 3 एम्पीयर जा सकता है। तो तुम लोग 3 से ज्यादा डालोगे तो ये जल जाएगा। लास्ट वाली केस में भी देखो, लास्ट वाली केस में भी क्या हुआ था, 1 एम्पीयर रेंज था, इनिशियली रेंज क्या था 1, तो नया रेंज हो गया कितना 5, नया रेंज कितना हो रहा था 5, तो 5 क्या 5 डाला तो चलता है क्या, नहीं, 5 में से 4 नीचे से निकालने का, 1 उसमें से जाता है, तो अभी भी मशीन के अंदर से 3, तो इधर भी मशीन के अंदर से 3 ही जा सकता है, 3 से ज्यादा डालोगे जल जाएगा, खराब हो जाएगा अंदर का फॉस्फर बॉन्ड्स का, तो इधर भी उतना ही करंट, तो इधर का करंट एंड मशीन के अंदर इधर का भी करंट सेम लेने का, वो भी लिखा। मशीन के अंदर का करंट क्या है सेम, तो इधर भी 3 एम्पीयर, वापस वही डेल्टा वी, वापस वही डेल्टा वी पे आने का ओम्स लॉ, तो नीचे का डेल्टा वी एंड ऊपर का डेल्टा वी सेम चेंज, नीचे दोनों पॉइंट्स के बीच में डेल्टा वी एंड ऊपर का डेल्टा वी सेम चेंज, तो नीचे डेल्टा वी कितना है 120। अब 120 को फुल डिफ्लेक्शन मारना चाहिए, नीचे का डेल्टा वी 120 है, तो 120 के लिए फुल डिफ्लेक्शन मारना चाहिए, फुल डिफ्लेक्शन के लिए इसको करंट कितना लगता है 3 एम्पीयर, फुल डिफ्लेक्शन के लिए इसको करंट कितना लगता है 3, तो 3 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो I into R, नीचे का डेल्टा V इज इक्वल ऊपर का, नीचे डेल्टा V 120 है, ऊपर डेल्टा V कितना है I into R, ऊपर रेजिस्टेंस कितना है G plus IS, नीचे डेल्टा V 120 है, ऊपर डेल्टा V कितना है I into R G plus IS, सॉल्व किया G पता है तो आरएस मिल जाएगा, जी पता है डालो इधर तो आरएस मिल जाएगा। चलो समझा कुछ है, समझा गया, और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। चलो समझा गया किस किस को, तो किसी को तो समझा गया, ओनली फॉर्मूला बेस्ड करेंगे तो नहीं समझेगा, ओनली फॉर्मूला बेस्ड करेंगे तो नहीं समझेगा, इसलिए मैं ओनली फॉर्मूला बेस्ड नहीं समझेगा, ठीक है। चला तीन चार लोगों को समझाए, स्क्रीनशॉट ले लो, आरएस कितना आता है ये 40, जी प्लस आरएस जी 20 इधर आ गया तो आरएस आता है 20। जी 20 है तो 20 40 में से गया तो आरएस कितना आता है 20, ठीक है। चलो हो गया, ब्रेक लेंगे छोटा, क्या करेंगे छोटा, ब्रेक लेंगे, ब्रेक की बात करेंगे, क्या करेंगे करेंगे, चलो चलो करेंगे, और एक न्यूमेरिकल करेंगे फिर ब्रेक लेंगे। चलो तुम्हारा कैपेसिटी बहुत अच्छा है, चलो करेंगे। ठीक है, देखो ये ऐसे में पॉइंट्स निकाल के दे रहा हूं, इनको अच्छे से याद रखो, बुक्स में वगैरह ये मिलेगा नहीं किधर, ये बुक्स में वगैरह मिलेगा नहीं, बहुत काम का है ये, ऐसे जो पॉइंट्स लिख के देता हूँ वो किधर तो लिख के रखो बुक में, जो भी बुक तुम लोग रेफर कर रहे हो उसमें तो काम में आएगा। देखो अभी क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का कन्वर्जन करते हैं, अभी क्या करेंगे वोल्ट मीटर का कन्वर्जन करते हैं। देखो तो क्या है, वोल्ट मीटर है,
has 60 divisions. इसका मतलब क्या है? वोल्ट मीटर has 60 divisions. मतलब वोल्ट मीटर का जो टाइल रहते हैं ना ऐसा इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 5 60. तो ये टुकड़े किया है, ये डायल है ना, डायल का ऐसा मार्किंग्स किया, तो कितना मार्किंग्स है टोटल? 60 मार्किंग्स है. तो काटा इधर जाएगा, ये हिस्सा जाएगा. 20 मार्किंग मतलब इतना 1/3, 30 मार्किंग मतलब हाफ जाएगा, 40 मार्किंग मतलब इधर जाएगा, 60 मार्किंग मतलब इधर जाएगा. समझ रहे हैं ना? तो ये ऐसा डिविजन्स किया है, तो उसको डिविजन्स बोलते. तो 60 डिविजन काटा जा रहा है. ये निडल 60 डिविजन जा रहा है मतलब फुल स्केल जा रहा है. निडल 60 डिविजन जा रहा है मतलब फुल स्केल जा रहा है. तो डिविजन है 60. इट शोज, अब वोल्ट मीटर क्या करता है, शोज 20 डिविजन्स फॉर 10 होल्ट. 10 होल्ट लगाया, उसके अक्रॉस 10 होल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उसके अक्रॉस 10 होल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो कितना डिविजन्स दिखाता है? 20 दिखाता है. तो क्या करने का है? देन कन्वर्ट इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पीयर. एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पीयर. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है कितना लेंगे? 100 ओम ले लो. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है? 100 ओम ले लेंगे. चलो चलो सोचो जरा क्या है, कैसा है. देखो सोचो सोचो एक बार, रीड करो, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. सोचो एक बार इसके बारे में क्या है कैसा है. थर्टी ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा. 30 ले लो. ठीक है चलो चालू करो. देखो तो एकदम स्टेप वाइज देखो इधर का मैं स्टेप्स कैसे यूज करता हूँ. देखो प्रैक्टिस करोगे तो आता है, प्रैक्टिस करोगे तो आता है. थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसपे न्यूमेरिकल्स आता है, इसपे न्यूमेरिकल्स आता है. तो फर्स्ट देखो कन्वर्ट किस में करना है. अगर एमिटर में कन्वर्ट करना है, एमिटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओ. वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में लगाओ. क्या करना है? वोल्ट मीटर था पहले, वो छोड़ो. क्या कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट इट इनटू एमिटर. फाइनली एमिटर बन रहा है तो एमिटर को रेजिस्टेंस कैसे लगता है? पैरेलल में. तो पहले तो वोल्ट मीटर था, पहले वोल्ट मीटर था, अब बन गया उसका एमिटर. तो एमिटर अगर बनाना है तो पैरेलल में लगा रहे, समझा? पहले वोल्ट मीटर था, देन इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एमिटर, तो पैरेलल में लगा दिया है. एमिटर बनाना है, पैरेलल में लगा, लगाया. देन इधर क्या बोलता है? कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल. ये तो एमिटर है, ठीक है, लेकिन अगर वोल्ट मीटर है तो पैरेलल में लगाओ. ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है ना, वो तो एमिटर है, छोड़ो. ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है तो पैरेलल में लगाओ. वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर है तो पैरेलल में लगा, लगाया. डायग्राम का काम, पहला काम क्या करना है? डायग्राम, डायग्राम निकाला. अब वैल्यूज डालो. वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? देखो रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम. वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम. अब इसका रेंज का वोल्टेज इधर लिखने का, इसका रेंज का वोल्टेज इधर लिखने का. रेंज का वोल्टेज मतलब क्या? सुनो सुनो सुनो, रेंज का वोल्टेज मतलब क्या? उतना वोल्टेज लगाया तो फुल डिफ्लेक्शन मारेगा. इसका रेंज का वोल्टेज मतलब क्या? उतना वोल्टेज लगाया तो फुल डिफ्लेक्शन मारेगा. अब फुल डिफ्लेक्शन का वोल्टेज दिया है क्या नहीं दिया? फुल डिफ्लेक्शन का वोल्टेज दिया है क्या नहीं? 20 डिविजन्स का वोल्टेज 10 है, ये डबल हो गया 20.
तो ये भी डबल हो जाएगा 40, तो 40 डिविजन दिखाएगा 20 होल, ये ट्रिपल किया 30, तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा 60, है ना। लीनियर रहता है गैलोनोमीटर, लीनियर रहता है, कुछ तो सुना है ना इसका, हुआ था कल परसों हुआ था, गैलोनोमीटर लीनियर मतलब इसको लीनियर बोलते। तो वोल्टेज ट्रिपल किया तो डिविजन भी 20 का ट्रिपल 60, अब ये फुल डिविजन हो गया, फुल डिफ्लेक्शन, 60 डिविजन फुल है ना, 60 डिविजन मतलब फुल डिफ्लेक्शन है, तो 30 वोल्ट को फुल डिफ्लेक्शन माप रहा है, तो 30 वोल्ट क्या है उसका रेंज है, समझ रहे हैं क्या, 10 वोल्ट को 20 डिविजन से मारता है, तो इसका ट्रिपल 60 मारने के लिए इसका ट्रिपल 30 वोल्ट लगेगा, तो 30 वोल्ट को फुल डिविजन मारता है, तो 30 वोल्ट क्या है, 30 वोल्ट क्या है, रेंज है, 30 वोल्ट रेंज है, 30 वोल्ट क्या है इसका रेंज है, ठीक है, ओके, 30 वोल्ट इसका रेंज है। अब इतना इंफॉर्मेशन दिया है इतना, हाँ अब इधर रेंज कितना करना है फाइनली, ये जो नया एमीटर है इसका रेंज कितना करना है, 10 एम्पियर, तो इस मेन लाइन में 10 एम्पियर डालने का, इस मेन लाइन में 10 एम्पियर डालने का, इतना क्लियर है क्या, बोलो फिर आगे जाएंगे, नहीं तो यही और एक बार रिपीट करता हूँ, इतना क्लियर है क्या। अब इसको सॉल्व कैसा करना है वो आगे, सिंपल सिंपल है, लॉजिक है, कुछ नहीं है इसमें, हवा में से कुछ मैंने नहीं लिया, लॉजिक है, अब उतना दिमाग लग रहा है तो समझेगा, सब लॉजिक है, हवा में से कुछ नहीं बोल रहा मैं। और एक बार इसको रिपीट करता हूं एकदम फास्ट में, फिर आगे जाएंगे। पहले वोल्ट मीटर था, तो वोल्ट मीटर लिया, उसको पैरेलल में लगना है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाना है, वोल्ट मीटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एमीटर, तो एमीटर को पैरेलल में लगता है रेजिस्टेंस, जब एमीटर बनता है रेजिस्टेंस पैरेलल में लगता है, एंड ये वोल्ट मीटर है तो ये भी पैरेलल में लगता है, ठीक है, अलग अलग डायग्राम है, सोचो दिमाग लगाओ तो समझेगा। इसका रेजिस्टेंस जो है डाला, ठीक था, इसका रेंज फाइनली कितना करना है, 10 एम्पीयर लिखा, फाइनली करंट इतना भेजना है उसमें, ठीक है। अब इतना इसका रेंज कितना है वोल्टेज में, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है, 10 वोल्ट पे 20 डिवीजन जाता है, तो 30 वोल्ट पे इस पर इसका ट्रिपल, तो इसका ट्रिपल, तो 30 वोल्ट पे 60 डिवीजन जाएगा, 60 डिवीजन मतलब फुल, तो फुल जाने के लिए कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा, 30, तो ये इसका रेंज है, सब वैल्यूज लिख दिया, सिंपल सिंपल है। अब देखो अब क्या करना है, इधर से 10 एम्पीयर आएगा, इधर से 10 एम्पीयर आएगा, तो कितना मशीन के अंदर जाएगा, कितना नीचे से निकालना पड़ेगा, पता है क्या, इधर से 10 एम्पीयर आएगा, तो मशीन में कितना डालना है, इधर से कितना निकालना है, मशीन में ज्यादा डालेगा तो जल जाएगा, तो मशीन में कितना डालने का रहता है, तो वो इधर से पता चलता है। तो देखो इस लाइन में करंट कितना जाएगा उसको आईजी बोलते हैं, इस लाइन में करंट जितना जाएगा उसको आईजी बोलते हैं, कैसे निकालेंगे, वी 30 वोल्ट पे, 30 वोल्ट पे फुल डिफ्लेक्शन मारता है, वोल्टेज 30 है, रेजिस्टेंस 60 है, 30 वोल्ट पे ये फुल डिफ्लेक्शन मारता है, 30 वोल्ट पे फुल, तो कितना करंट जाता होगा, 30 वोल्ट पे फुल डिफ्लेक्शन मारता है तो कितना करंट जाता होगा, इधर का डेल्टा भी, इधर का डेल्टा भी तो सेम रहेगा, पैरेलल है ना, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इधर का करंट आएगा, इधर का वोल्टेज और इसका वोल्टेज तो सेम है, तो इसका वोल्टेज 30 है और इसका रेजिस्टेंस 60 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 60 तो ये है 0.5, ये है 0.5, तो 0.5 करंट इसमें से जा रहा है, समझ रहे क्या, देखो और एक मैं सेंटेंस बोलता हूँ समझेगा, 30 वोल्ट पे ये फुल डिफ्लेक्शन मार रहा है, 30 वोल्ट पे ये फुल डिफ्लेक्शन मार रहा है, उसी का मतलब है कि ये 0.5 एम्पीयर पे भी फुल डिफ्लेक्शन मार रहा है, 30 वोल्ट पे फुल डिफ्लेक्शन मतलब 0.5 एम्पीयर पे भी फुल डिफ्लेक्शन मार रहा है, ठीक है, तो इधर से 10 एम्पीयर आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, 10 एम्पीयर आ रहा है, इधर से 10 एम्पीयर आ रहा है,
तो मशीन में कितना बेचने का, 10 एम्पियर। अब इसका रेंज है नया, 10 एम्पियर इसका रेंज है, 10 एम्पियर इसका क्या है, रेंज है। तो मशीन में कितना जाना चाहिए, 10 एम्पियर रेंज है, तो 10 एम्पियर को फुल मारना चाहिए। फुल मारने के लिए रेंज कितना है, फुल डिफ्लेक्शन का करंट कितना है, तो फुल डिफ्लेक्शन का करंट है 0.5। तो इधर करंट कितना घुसना चाहिए, 10 एम्पियर को ये फुल जाना चाहिए। लेकिन फुल के लिए इसमें करंट कितना चाहिए, ये फुल जाने के लिए करंट कितना चाहिए, 0.5। इसमें 0.5 भेजना है, ज्यादा भेजेंगे तो जल जाएगा, और नीचे का बचा हुआ 9.5 नीचे से लेना है, बचा हुआ 9.5 नीचे से लेना है, बचा हुआ 9.5 नीचे से आना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर का डेल्टा भी है नीचे का डेल्टा भी सेम है, ऊपर का डेल्टा भी है नीचे का डेल्टा भी सेम। तो ऊपर का डेल्टा भी कितना है, 0.5 इंटू इसका रेजिस्टेंस इधर है ना 60, वही रहेगा उधर 60। तो इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस आई आर ऊपर का इज इक्वल टू आई आर नीचे का, आई ऊपर का आर ऊपर का, नीचे का करंट कितना है 9.5, नीचे का करंट 9.5 है, नीचे का रेजिस्टेंस यस। इसको सॉल्व करो तो मिल जाएगा, इसको सॉल्व करो तो मिल जाएगा। चलो एक बार देखो कैलकुलेशन कुछ लंबा नहीं है, दो स्टेप में, इधर एक स्टेप है इधर एक स्टेप है, कैलकुलेशन कुछ लंबा नहीं है, इधर एक स्टेप है इधर एक, लेकिन अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा है, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा एबेकस पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो टेंशन मत लो, एक पार्ट इतना छोड़ दिया तो चलता है। मैं पहले से बोलता हूँ, ये जो स्टूडेंट्स को जनरली हर साल 3.15 स्टूडेंट्स को हर साल जो पार्ट डिफिकल्ट लगता है, नहीं किया तो भी चलता है, वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट है ये। अब मुझे तो इजी लगता है, इंटरेस्टिंग, लेकिन स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, चलो तो ब्रेक ले लो 5 मिनट्स का, ब्रेक ले लो 5 मिनट्स का, ब्रेक के बाद देखेंगे, ब्रेक ले लो 5 मिनट्स का, 5-7 मिनट्स का ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक बार मैं बोलता हूँ, आज इसमें ही टाइम जाएगा, आज जितना होता है उतना करेंगे इस पे काम, कल क्या करेंगे मैग्नेटिज्म चालू करेंगे। मैग्नेटिज्म इजी है, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलो हो गया क्या, 7 मिनट्स के बाद आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो 7 मिनट्स के बाद आ जाओ। चलो 7 मिनट्स के बाद आ जाओ।